हेलो दोस्तों, सावरिया मोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास ये बल्ब आया हुआ है, देख लीजिए एक बार। ये वाला बल्ब है तो इसको मैं अभी रिपेयरिंग करके बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पूरे वीडियो में बने रही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब कर ले। देख लीजिए, यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ये चालू है इसका मतलब। और ये हमारा ये अभी बल्ब नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये चालू करके बताने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बल्ब को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरा सपोर्ट भी करते रहें। तो अभी हम इस बल्ब को है ना ओपन करते हैं। तो चलो, अभी ओपन करने के लिए हमारे पास ये टूल है, इस टूल की मदद से हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ओपन कर दिया है। तो इसको दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं बताया था, वहाँ पर बोला ये बल्ब नहीं होगा रिपेयरिंग। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। तो हमें छोटा सा तरीका है लेकिन अच्छा तरीका है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना और लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करें। देखो, हमने वापस यहाँ से डाल दिया है, यहाँ नीचे हमारा डायरेक्ट वायर है तो इससे हमें कोई दूर रहना है, ये लाइट कहीं करंट वरंट ना लगे। और सबसे पहले हमें इसको है ना, इसको बल्ब को अच्छी तरह पकड़ लेना है। और हमें पहले लेना है चिमटी, चिमटी की मदद से हमें एक एक लाइट को यहाँ पर लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर नहीं लगा, ऐसे ऐसे एक एक कनेक्शन मिलाना है। कभी भी आपके पास भी आए तो दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे ये लाइट लग रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे लाइट लग रही है। तो हमें क्या करना है, ये जला हुआ बल्ब है, यूँ समझो, एक लाइट को हमें रिमूव कर लेनी है। हमें लाइट अर्थिंग से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसको इस लाइट को हमें रिमूव कर लेनी है। और दोस्तों, पूरे वीडियो में बने रहे और आप भी घर पे भी कर सकते हो ये काम, इजी तरीका है दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये लाइट निकाल ली है, अब हमें वहाँ पे डायरेक्ट सॉल्ड कर देना है। दोस्तों, आपको एक घर पे कर सकते हो रिपेयरिंग, कुछ नहीं चाहिए, एक सोल्डर मशीन चाहिए और एक चिमटी चाहिए दोस्तों। और सावधानी से करें। हमने अभी लगाया है, देख लेते एक बार, नहीं तो फिर लगाना पड़ सके। तो अभी हमारा वायर सोल्डिंग नहीं हुआ है। इस लाइट को अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। तो दोस्तों, हमने अभी अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डिंग लगा लिया है, देख लीजिए। इस तरह से लाइट रिमूव करके सोल्डर लगा लेना है। अभी हम इसको डालने वाले हैं बोर्ड में एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, हमारा ये बल्ब जलने लग गया है। देखिए, तो हमारा ये बल्ब चालू हो गया। तो दोस्तों, हमने क्या किया देख लीजिए एक बार, पूरा अच्छी तरह से देख ले। जो हमारी एक लाइट नहीं लग रही थी, वो चिमटे से चेक की, उसको हमने रिमूव कर दी, वहाँ पर सोल्डर मार दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी बल्ब रिमूव कर सकते हैं घर पर। तो थैंक यू, पूरे वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।